क्या दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल किसी हिंदू राजा की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल की जमीन राजस्थान में आमेर के कछवाहों की जायदाद थी और शाहजहां ने कछवाहों को इसके बदले 4 हवेलियां दी थी, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ताजमहल की जमीन का विवाद तब शुरू हुआ जब साल 2017 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया था कि शाहजहां ने जयपुर के राजाओं की जमीन हड़प कर उस पर ताजमहल बनवाया था और इसके बारे में उनके पास सबूत भी हैं। उनका ये भी कहना है कि जयपुर के राजाओं को इसके बदले कुछ गाँव दिए गए थे जिनकी कीमत जमीन के मुकाबले काफी कम थी। यही नहीं, साल 2022 में जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने भी दावा किया था कि शाहजहां ने जयपुर राजघराने की जमीन पर जबरन कब्जा करके ताजमहल बनवाया था। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।